टीना, कोई मुझे एक बार इग्नोर करे, मैं उसे 101 बार इग्नोर मार, और तुम हो जो रिएक्ट नहीं कर रहे। वो यहां आया और तुमसे मिलने से इनकार कर दिया, उसकी सजा उसे भूल जाना है, लेकिन वो फिर यहां कभी नहीं आएगा। वो आएगा, जरूर आएगा, उससे मेरे बिना रहा ही नहीं जाता। तुम एक साल मेंटल हॉस्पिटल में रही, 3 महीने क्लोज वार्ड में रही, तब कहाँ रह रहा था तुम्हारे बगैर? वो अकेली जान और इतने सारे काम, बहुत बड़ा बिजनेस है उसका, अमीर आदमी है, बहुत चीजों का ख्याल रखना पड़ता है उसे, फैमिली, बिजनेस, मीटिंग्स, ट्रैवल्स, पार्टीज, और सबके साथ साथ मुझे भी हैंडल करना आसान काम थोड़ी है, बहुत मुश्किल है। सब कहते हैं, पता है, अक्सर जब मीटिंग्स होती थी ना ऑफिस पे, थे तो मुझे बोलता था, नूरी मैं जूम कॉल पे जा रहा हूँ, तुम मेरी आंखों के सामने से मत जाना, वीडियो कॉल पे रहो, और हाँ कैमरा ऑफ नहीं करना, म्यूट पे कर लो। एक और बात बताओ, बोलो कितने किसी से ही स्नोर्स। अक्सर रात को जब भी वो ट्रैवल करते थे तो सलमान और मैं वीडियो कॉल पे साथ में सोते थे, तो रात में जब नींद में धोते थे तो स्नोर करते थे। आई टोल्ड हिम सो मेनी टाइम, आई लाइक योर स्नोर, योर स्नोर्स आर थेरेप्यूटिक टू मी, आई लाइक देम। तुम जैसी मस्तानी और आशिक की दीवानगी पर तरस खा के किया होगा ना उसने ये सब। नूर छोड़ो, मेरा मुंह ना खुलवाओ तुम। तुम गलत समझ रही हो, ऐसा नहीं है वो। तुम्हें क्या लगता है कि उसने सुना कि मैं कैद में हूँ, नफसियाती मरीज हूँ, तो वो अपने किसी पुराने रिश्ते की वजह से चंद घड़ियाँ मेरे साथ गुजार कर चला गया, ये समझ रही हो? मेरे दिल का हाल समझ लिया तुमने नूर? कैसे? जी इतना हल्का नहीं है हमारा रिश्ता। तुम, रीमा, शीबा सब मिलके जो बातें कर रही हो ना, मुझ तक पहुंच रही है, मेरे माशूक की इतनी तौहीन तो ना कर। ओके ओके, अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया तो आई एम सॉरी, लेकिन अगर खुदा ना खास तो वो यहाँ आया तो मेरी तरफ से उसका मुंह नोच लेना, इतना ना हरा। आया और बेचारी से मिले बिना चला गया, मैं होती तो उसकी टांगें तोड़ देती। वो आशिक है क्या जो माशूक के नखरे ना उठाए? तू नहीं समझेगी, चल जा। देखिए पागलखाना 20 से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।